नमस्कार मेरे दोस्तों। पिछले भाग में हमने बीमे का इतिहास पढ़ा था। इस भाग में हम बीमे की सीमाएं क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। बीमे की सीमाएं, अगर हम किसी की सात सीमाएं होती है, जैसे सभी जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता, उनकी दरें, कुछ दरें जो होती हैं वो इतनी हाई होती है जिसके कारण व्यक्ति बीमा नहीं करा सकता। तीसरे, नैतिक संकट, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति बीमा नहीं करा पाता। चौथा, बीमा लाभकारी विनियोग नहीं है। पांचवा, बीमा की उचित संचालन लागतें। छठा, एकांकी व्यक्ति के जोखिम की सीमा समग्र नहीं है। सातवां, बीमा केवल वित्तीय मूल तक ही सीमित नहीं है सीमित। आठवां, कुछ बीमा पत्र केवल सरकारी सहयोग पर निर्भर करते हैं। चलिए चलिए, आप देखिए जो ये पेज में आपको दिख रहा है, इसमें जैसे कि पहली सीमा है, सभी जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कुछ समाज में ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें उसका बीमा कराना असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि बीमाकर्ता आपकी सभी जोखिमों का बीमा कर दे, ये जरूरी नहीं है। दूसरा है ऊंची प्रीमियम दरें। आज जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जीवन बीमा के बारे में आज किसी को भी इतनी जागरूकता या एक इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है कि वो जीवन बीमा कराए। लेकिन आज वाहन बीमा की बात करें तो वाहन बीमा की अनिवार्यता के कारण, सरकार द्वारा अनिवार्य जो कर दिया गया है उसकी अनिवार्यता के कारण लोगों को वाहन बीमा तो कराना ही पड़ता है। और जैसे बड़े कारखाने बीमा के लिए प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीमा भी हैं, मकान हुआ, दुकान हुआ, चोरी हुआ, ये आदि चलन में नहीं है। इसका कारण है क्योंकि बीमा कंपनियां होती हैं, ये जो बीमा करती हैं ये अधिक ऊंची दरों में बीमा करती हैं, तो इसका बीमा कराना एक तरह से बहुत महंगा पड़ता है। तीसरा है नैतिक संकट। बीमा कराने वाले कुछ लोग बीमा का दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और लंबे समय तक भर्ती रहते हैं, जब तक इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि मतलब हमको तो उसका चार्ज भरना ही नहीं है हमको, और पूरी तरह से वो रुक कर वहाँ पे इलाज करवाते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना परिश्रम वसूलते हैं, जैसे कि अपनी सेवाओं को ज़्यादा देने का परिश्रम वसूलते हैं। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर उसको मालूम है कि इसमें बीमा बीमा है, तो बीमा के लिए वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिल बना के देता है, क्योंकि और पेशेंट से भी अधिकतर बोल देता है कि मतलब ये आपको तो पे करना नहीं, बीमा कंपनी पे करेगी, तो आप मैं इतना बिल बना के दे रहा हूँ, तो इसमें रोगी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये गलत है। तो जिससे कि नैतिक संकट होने के कारण बीमा कंपनियों पर लोड पड़ता। तीसरा, इसी के अंदर पॉइंट है, बीमाकर संपत्ति की लापरवाही से प्रयोग करता। अगर उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी गाड़ी का या किसी संपत्ति का मेरा बीमा है, तो वो उस चीज़ को भी लापरवाही से प्रयोग करता है। और जो चौथा पॉइंट इसी के अंदर, बीमित द्वारा नुकसान को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे कि इसमें सीमाओं में चौथा पॉइंट है, बीमा लाभकारी विनियोग नहीं है। विनियोग मतलब जैसे अगर आपको कोई समझे कि ये इन्वेस्टमेंट है तो ये गलत है। ये जो एक बीमा होता है वो हमेशा सुरक्षा के लिए आपको दिया जाता है, और जैसे कि सुरक्षा के लिए ये दिया, आप अगर आप ये सोचें कि बाद में आपको अगर कुछ इस तरह का निवेश का कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा या उसका कुछ ज़्यादा बोनस मिलेगा या ऐसा कुछ होगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी सुरक्षा के साथ निवेश ही है। पांचवा पॉइंट है, बीमा की ऊंची संचालन लागतें। जैसे कि अगर बीमा कंपनी जब अपना संचालन करती है, तो संचालन करने में जैसे कि उसे बीमाकर्ता व्यक्ति एजेंट रखना पड़ता है, कंपनी का एक एरिया लेना पड़ता है, तो इन संचालन और लागतों में करीबन वो अपना 20% खर्च कर देती है। तो उससे क्या होती है, जो बीमा की जो लागतें होती है वो बढ़ जाती है, और लागतें बढ़ने के कारण बीमे प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, छठा पॉइंट, एकांकी व्यक्ति को जोखिम और सीमा समग्र नहीं है। मतलब एकांकी व्यक्ति मतलब ऐसा कोई, अगर आप सोचते हो कि किसी अकेले व्यक्ति को कुछ ऐसे जोखिम हमेशा हो रहे हैं और वो बीमा कंपनी उसके लिए कुछ ऐसा प्लान जनरेट कर दे, तो ऐसा नहीं है। अगर
बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही तरह की समस्या है और लगता है कि इसमें चांसेस जोखिम के होते हैं, तो अगर वो लोग बोलें या उसको डिमांड जो बोलते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसको पूरा किया जाता है। तो बीमा की सफलता तभी संभव है जब समान प्रकार की जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों को बड़ा समूह हो। यदि किसी एक व्यक्ति या बहुत कम व्यक्तियों का जोखिम हो तो उन पर उनका बीमा करना असंभव हो जाता है। सातवां, बीमा केवल वित्तीय मूल्य तक ही सीमित है। जैसे कि किसी ऐसा मतलब अगर कोई किसी ने बोल दिया कि मतलब मेरा हार्ट फीलिंग हुआ, मानसिक पीड़ा हुई, पीड़न हुआ, तनाव हुई, चिंता हुई, उसका बीमा कर दो, तो बीमा कंपनी बोलेगी मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों का मैं पूर्ति नहीं कर सकता, हाँ लेकिन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मानसिक उत्पीड़न, तनाव, चिंता, इनका बीमा नहीं हो सकता, ना आपको ये वापस लौटाया जा सकता। तो आपको एक फाइनेंशियल रूप से आपको उसी स्टेज पे लाके देगा बीमा कंपनी, लेकिन आपकी इन चीज़ों को वापस उस स्टेज पे नहीं ला सकता, आपको भावना रूप से या मानसिक रूप से उस स्टेज पे नहीं दे सकता। आठवां पॉइंट है, कुछ बीमा पत्र केवल सरकारी सहयोग पर ही निर्भर, मतलब कुछ बीमा पत्र ऐसे होते हैं जो सरकारी सहयोग सहयोग पर ही निर्भर है, जैसे बोलते हैं।